वो किस्मत वाले लोग होते हैं कि वो आसानी से उनकी रूह निकल जाए और डॉक्टरों को पता ही ना चले, अल्लाह ना करे कि अब में से किसी के साथ हो गए डॉक्टरों को पता चल जाए उस वक्त, वो पकड़ के चढ़ा देंगे, आमीन इज्जत के साथ। सर देखें ना, मौलाना इसहाक साहब की डेथ इसी तरह ही हुई है ना, बिल्कुल सेहतमंद थे, 78 ईयर्स एज थी मौलाना इसहाक साहब की रहिमहुल्लाह ताला, फैसलाबाद वाले, 28 अगस्त 2013 को डेथ हुई है। उसी साल हज पे गए हुए थे वो, हज पे एक ही दुआ करते रहे कि या अल्लाह मुझे इज्जत के साथ चलते फिरते उठा लेना। कोई बीमारी नहीं थी इस उम्र में भी, जवान बंदों से ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है जी। और डेथ कैसे हुई है जनाब, सुबह ऑलमोस्ट 3 बजे उठ जाते थे, उनकी वाइफ ने बताया, वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उनकी हयात है, तो वो कहती हैं कि वो सुबह उठे हैं, वुजू किया है तहज्जुद के लिए, मुसल्ला बिछाया है, किबला रुख खड़े हुए हैं, नमाज नियत करने लगे हैं तो आके बिस्तरे पे लेट गए और मुझे कहा कि लाइट बंद कर दो। अच्छा, तो वाइफ ने कहा क्या उनका थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, मैं थोड़ा आराम कर लूँ तो फिर मैं उठ के नफिल पढ़ता हूँ, भी तो बड़ा टाइम है। वाइफ कहती है जी कि वो लाइट बंद की है, तो बस चंद सेकेंड्स ही गुजरे हैं, मैंने उनसे कहा कि खैर तो है ना, तो रूह परवास कर चुकी है, चलते फिरते भी अल्लाह ताला उठा लेता है लोग, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनको नेक कामों का अजर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।